नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, RPSC ने अभी अभी एक प्रेस नोट जारी किया है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और इसके साथ ही अगर आप RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम की घर बैठकर पूरी तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना और पवन पारिक को सर्च करके फॉलो कर लेना। इसके अलावा इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट हमें फॉलो कर सकते हो। तो पूरी तैयारी यहाँ पे आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, राजस्थान लोक सेवा आयोग अभी अभी ये जारी हुआ है 8/10/2018 को। प्रेस नोट, आयोग द्वारा दिनांक 2/9/2018 को आयोजित प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 की उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। तो यानी देख सकते हो, प्रधानाध्यापक का जिन्होंने एग्जाम दिया था उनके लिए खुशखबरी है कि उनकी जो उत्तर कुंजी है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। और यदि किसी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजी पर कोई भी आपत्ति हो, तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 13/10/2018 से दिनांक 15/10/2018 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, मास्टर प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। इस परीक्षा के प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति प्रमाणिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। वांछित परिणाम प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क यहाँ पे ₹100 रखा गया है। अभ्यर्थी SSO पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर क्लिक करके प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क ₹100 के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई मित्र के माध्यम से जमा करवा सकते हो। तो ये आपके लिए एक बड़ी खबर थी। और साथ में अगर कोई भी न्यूज़ और आती है किसी भी भर्ती के संबंध में तो हम आपको सबसे पहले देते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।